हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हो चुके हैं 7:30, सॉरी 8 बज चुके हैं। तो आज है हमारा लास्ट दिन इन स्पीति वैली और लास्ट व्लॉग है यहाँ का स्पीति का। बीच में तो बनाए हम लोगों ने ब्लॉग, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कमाल था, थोड़ा सा मेरी तो आइस में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से हम लोग ब्लॉगिंग नहीं कर पाते। ये मेरी हमारी हो गई कम्प्लीट, क्योंकि सामान सारा गाड़ी में डाल चुके हैं। और ये रहा बाहर का व्यू, ये रहा काबू। चलो लास्ट बार देख लेते हैं बाहर का व्यू। अच्छा अभी भी है, रखो उसको। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आज है हमारा लास्ट दिन इन स्पीति वैली, तो ये मेरा लास्ट ब्लॉग है स्पीति में। तो इसके बाद आज हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। तो अभी निकल ही रहे हैं, सारा कुछ पैक हो गया हमारा सामान, तो बस अभी थोड़ी देर में निकलने की तैयारी हो रही है। तो शायद आज देखो रिकांगपियो रुकते हैं या फिर रामपुर रुकेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे सीधे रिकांगपियो में मिलेंगे या फिर रामपुर में मिलेंगे, क्योंकि रास्ते में तो ऐसा कुछ है नहीं दिखाने लायक, क्योंकि बाकी सब ब्लॉग में दिखा ही रखा है मैंने। तो ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हे एवरीवन, अभी हम लोग हैं नाको पहुंच चुके हैं। तो यहाँ भी देखिए आप, स्नोफॉल हो रहा है पीछे, छोटे 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 से बर्फ क्यों गिर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे रेन हो रही है, लेकिन यहाँ स्नोफॉल हो रहा है। दिख भी नहीं रहा, लेकिन कैमरे में नहीं आ रहा ये। बोलो बोलो जल्दी, कैमरे में देख के बोलो। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रामपुर बुशहर शहर में। मेरे पीछे देखेंगे रामपुर का शहर है। अभी ये तो उस साइड वाला है, अभी इस साइड भी है। ये मेन रोड के बीच में नदी है, सतलज रिवर है बीच में, और ये रिवर के उस साइड वाला गाँव है। फिर थोड़ा सा आगे जाके यहाँ से पड़ती है मार्केट नीचे, तो अभी हम लोगों ने इधर से ही जाना है। तो फिर उसके बाद अभी देखते हैं, कल फिर ब्लॉगिंग कर नहीं पाए थे क्योंकि कल यार एक तो मुझे वॉमिटिंग की सिकनेस हो रही थी, दूसरा फिर थक बहुत गए थे क्योंकि जाम लगा हुआ था बहुत देर तक, आधा, हाँ वैसे तो एक घंटे से लगा हुआ था, लेकिन हम लोगों को थोड़ा लेट, मुझे तो आधा घंटा का जाम झेलना पड़ा था। तो अभी यहाँ से थोड़ी देर बाद निकलेंगे हम लोग। अब देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं, अगर टाइम से शिमला पहुँच जाएंगे तो फिर हम चंडीगढ़ के लिए निकल जाएंगे, अगर टाइम से शिमला नहीं पहुँचे तो फिर शिमला रुकना पड़ेगा हमें। चलिए देखते हैं फिर आपसे, अगर रास्ते में अगर कुछ हुआ तो ज़रूर दिखाएंगे, नहीं तो रोड पर क्या दिखाऊँगा यार। मैं खुद ही, मतलब मुझे वॉमिटिंग की इतनी प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती रास्ते में। तो अभी काविस तो सोया हुआ, पता नहीं काविस कब उठेगा। अभी तो मैं रेडी हो गई, यहाँ बहुत गर्मी लग रही है यार। हम लोग तो मतलब ऐसे माइनस टेम्परेचर से निकल के आए हैं, तो इधर इतनी गर्मी लग रही है ना, सच में बता ही नहीं सकती मैं। मन करना ना रोड में घूमने का। तो गाइस, काविस उठ गया था टाइम से, तो हम लोगों ने यहाँ से चेकआउट कर लिया टाइम से। तो यहाँ से शुरू होती है रामपुर की मार्केट, जो बहुत बड़ी है, और जो मेन मार्केट है वो तो थोड़ा सा रोड से नीचे जाके है, अंदर अंदर को मार्केट है। बाकी बहुत बड़ा शहर है रामपुर भी, मतलब इतना बड़ा नहीं कि, लेकिन फिर भी थोड़ा बड़ा है आसपास के जगह से लेकर। Thank you.
गाइस अभी हम निकल चुके हैं रामपुर से, तो फिर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज की जर्नी। तो अभी तो हम लोग रामपुर में ही हैं, अभी निकल रहे हैं, मतलब पेट्रोल भरा रहे हैं से, उसके बाद निकलते हैं क्योंकि आगे पता नहीं पेट्रोल पंप कहाँ पर मिलेगा, तो इसलिए पहले से भरवा के। ठीक है काविश, इधर देखो बेटा, हाय बोलो काविश, हाय बोलो, एक आज बोलो। साइड में हमें एक पार्क दिख रहा था, हमने सोचा चलो बहुत लोग वहाँ फोटो शूट वगैरह कर रहे थे, तो शायद मौसम बहुत अच्छा होगा, तो हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन जब हम लोग गाड़ी से बाहर निकले ना, तो सच में इतनी भयंकर लू चल रही थी ना यार, इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी और लोग ऐसे में, इतना फोटो शूट वगैरह चल रहा था सभी का, तो हमें हो गई कि कब हम यहाँ से जाएँ। लेकिन काविश चलने को तैयार ही नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से हमने काविश को लेके गए, और इतना रो रहा था कि यहाँ से नहीं जाना है, पार्क में जाना है, पार्क में जाना है करके, तो हम बड़ी मुश्किल से उसको लेके गए। तो बहुत देर तक रो रहा था, फिर थोड़ी देर में ठीक हो गया था। अभी हम लोग रास्ते में लगे हुए हैं, कुछ गार्डन वगैरह है, तो कुछ देर में हम चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। अभी धूप इतनी गंदी लग रही है ना यहाँ, सच में बाहर से देखने से ऐसा लग रहा था कि इतना ठंडा ठंडा लग रहा होगा, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। काविश चलना चाहिए, बहुत गर्म लग रहा है। Hey guys, तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं, चंडीगढ़ से निकल चुके हैं अभी हम लोग, तो फिर कुछ कितना टाइम है, मैं 3 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे देहरादून। तो फिर आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं आपसे कल। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो।